हैदराबाद शहर के बड़लागुड़ा पुलिस की जानिब से एक फंक्शन हॉल में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें साउथ ईस्ट डीसीपी कांतिलाल पाटिल, साउथ ईस्ट एडिशनल डीसीपी स्वामी चंद्रन गुट्टा, एसीपी मनोज कुमार, नारकोटिक इंस्पेक्टर श्रीनिवास, बड़लागुड़ा इंस्पेक्टर सत्यानारायणा और कंचनबाग इंस्पेक्टर शेखर रेड्डी मेहमाना ने खसूसी के अलावा मुकामी स्कूलों, कॉलेजों और मेडिकल से वाबस्ता नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर साउथ ईस्ट डीसी कांतिलाल पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंशियात का इस्तेमाल जिंदगी को तबाह करता है, इसलिए इससे बहुत दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल करने से हम अपने खानदान से दूर हो जाते हैं, इसलिए सबको मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं और उन्हें काबू में रखना चाहिए ताकि हम मंशियात पर काबू पा सकें। सबका आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और सबका नमस्कार और आदर। सो ये प्रोग्राम रखने का यही इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा डर सभी थोड़ा सा अवगत करते जा रहे थे, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, क्योंकि ड्रग्स तो पता नहीं आजकल के जो यंग जनरेशन है, इंडिया के बेहतरीन नागरिक होने का भी एग्जाम्पल दीजिए अपने अपने गली में, मोहल्ले में, खुद को भाई हम आपकी मदद के लिए सबको आने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। एक ही बात है, NDPS एक्ट 1985 के मुताबिक थोड़ा डिफेंड करें ड्रग्स, गांजा, चरस, ओपियम, अभी एनडीएम, ये ऐसे ड्रग्स डिफेंड किया गया है, उसका पनिशमेंट ज़्यादा है। तो अपने पढ़े लिखे बच्चे या बच्चियाँ भी कौन भी हो, वो ड्रग्स रहना भी, यूज़ करना भी, शेयर करना भी, कुछ भी हो वो NDPS एक्ट में आता, एक अगर केस बुक हुआ तो थोड़ा पनिशमेंट ज़्यादा है, तो कोई जॉब को एलिजिबल नहीं होता। इवन दे विल नॉट गेट ए पासपोर्ट आल्सो, आईडी कार्ड आल्सो दे विल नॉट गेट। सो हुशियार से रहिए, कोई फ्री में ड्रग्स देता है तो बोले तो भी वो नहीं लेना चाहिए। अभी अभी बोले इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए, गली गली में जा नहीं सकते, तो वो इंफॉर्मेशन के वास्ते हमारे को 100,000 पर्सनल नंबर भी है, किसी भी सबका भी नंबर है, किधर भी हम लोग ऐसी चीज है जो आज के हमारे जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। As a students, we are the person who are having stress, not as a student, एक student ही नहीं बल्कि एक adult stage में आने के बाद, एक student बनने के बाद या फिर एक normal life में आने के बाद stress हमारी life में सबसे पहले आता है। We think about the stress, we think about all the things. आपके लिए जो टाइम निकाल के आया, आप लोग को भी चीज कोशिश करना चाहिए कि भाई ये सब पीने से क्या हो रहा है, आपको क्या क्या तकलीफें हैं, आपके घर वाले आपसे छूट जा रहे हैं, आपके फैमिली आपके आपका महिला आपको एक बुरी नज़र से देख रहा, हर कोई आपको जिस तरीके से नज़र से देख रहा, वो नशा जो करना है, वो नशे का लत जो है अपने घर से दूर कर रहा, अपने खानदान से दूर कर रहा, अपने महल्ले से दूर कर रहा, तो वो नशे की क्या जरूरत है हमको, उससे हम दूर होने में कितना अच्छा है। और सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, घर को ले जाके देंगे तो कितना खुशी होगी, वो नहीं सोचेंगे कि वो पैसे में जाकर नशा करेंगे, सोचते हैं वो नशा वो नहीं करके वो घर में जो आपको घर में कितनी खातिरदारी होती है वो देखिए आप, आप सिर्फ एक चीज के पीछे लगे नशा, वो नशे को आप छोड़ो, आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा रहेगा। और सबसे बुरी चीज अगर है दुनिया में बोले तो नशा है, नशा को सबसे बड़ा हराम बोले तो नशा अपन करके अपने घर को जाएंगे, अपने बच्चों के सामने, अपने फैमिली के सामने, अपने माँ बाप के सामने, कोई चीज ये नहीं है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, साहब लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आपको समझाने के लिए आए, तो आप लोग भी थोड़ा कदम उठाइए आप लोग की तरफ से भी, अगर ये चीज रुकेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, पूरे महल्ले तो महल्ले एरिया हर कोई दिल से रहेगा कि भाई कि एरिया में नशे का कुछ नहीं है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आदतें छोड़िए आप लोग। Yes, we come across many people, especially on the streets and all that. Recently, I came across a video wherein a person was fully drunk and he urinated in the train. So that was one where he was addicted to
drinking alcohol and all that. So alcohol also I think is a kind of drug only. So I don't know so much about it, and I look forward for the other dignitaries here to address the gathering. And I'm really once again very thankful to Mr. Narendra and Mr. Malik who came to our college to personally invite us. Thank you so much, and I look forward to seeing you in our college on 6th of November. Thank you very much, sir. Thanks a lot.